आप सबको पता ही है कि 22nd-23rd November को हम नॉर्दर्न जोन के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। तो UGC ने सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 5 जोन्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न। तो जो पहली ये कॉन्फ्रेंस हुई थी वाइस चांसलर्स की, ये बड़ौदा यूनिवर्सिटी में हुई थी और सेकंड ये पंजाब यूनिवर्सिटी में हो रही है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लेह लद्दाख विल बी अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंस। और UGC की तरफ से सभी इंस्टीट्यूशंस को कम्युनिकेशन गई हुई है कि दे हैव टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस। और इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी तक तो जब से NEP पॉलिसी आई है तो हम लोग यही डिस्कस करते रहे हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में कि कैसे करना है, बट अब जो है वो एजेंडा चेंज हो गया। अब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमें क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करना है एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ ने NEP इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस सेशन से कर दिया है, तो हमने क्या मॉडल फॉलो किया है और क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे हम उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो सब डिस्कस होगा। इसके अलावा जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें 10 थीम्स के अकॉर्डिंगली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो पार्टिसिपेंट से ही पूछा गया है कि वो किस थीम को ज्वाइन करना चाहेंगे। 22nd को इनॉग्रल सेशन है फ्रॉम 4 to 6 PM एंड UGC चेयरमैन विल आल्सो बी देयर एंड ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हरियाणा विल आल्सो बी देयर। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द इनॉग्रल सेशन। हरियाणा के गवर्नर एंड UGC चेयरमैन विल बी देयर। अराउंड 150। हाँ, मतलब देयर आर 241 यूनिवर्सिटीज इन द नॉर्दर्न जोन और सभी यूनिवर्सिटीज़ को UGC हैज़ आस्क्ड ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस, बट अगर हम 50% भी लेके चलें तो इट इज़ मोर देन 100। तो ये सारे जो वाइस चांसलर्स हैं या जो कोई हायर ऑफिशियल्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के जो उनके साथ आएंगे, दे विल बी डिवाइडेड इन 10 ग्रुप्स और जो डिस्कशंस होंगी वो इन 10 थीम्स पे होंगी। एक ग्रुप जो है दैट इज़ अराउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अपने ये डिस्कशंस करेंगे और रिकमेंडेशंस जो हैं वो फिर सारे ग्रुप्स के साथ डिस्कस होंगे लॉ ऑडिटोरियम में। तो जो इन ग्रुप्स की इंडिविजुअल डिस्कशंस हैं वो स्मॉलर लोकेशंस पे हैं, जहाँ कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिटवीन 30 to 50 पार्टिसिपेंट्स होंगे। और फिर जो इस ग्रुप की रिकमेंडेशन होंगी, जो भी इस ग्रुप का चेयरपर्सन होगा वो लॉ ऑडिटोरियम में रिकमेंडेशंस बाकी ग्रुप्स के साथ शेयर करेगा एंड देन देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस आल्सो। तो सेकंड ग्रुप जो है दैट इज़ ऑन डिजिटल एम्पावरमेंट एंड ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि UGC इज सेइंग कि हम वी शुड अलाउ आवर स्टूडेंट्स टू अर्न 40% ऑफ क्रेडिट्स थ्रू MOOCs, तो वो हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं उस चीज़ पे जो रिकमेंडेशंस होंगी वो ये ग्रुप देगा। और थर्ड ग्रुप इज़ अबाउट स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो NEP में जैसे कि हमारा स्ट्रेस है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड हो और एक स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज का वर्टिकल तो ऐड कर दिया गया है। तो थर्ड ग्रुप इन चीज़ों को डिस्कस करेगा। देन फोर्थ ग्रुप इज़ अबाउट रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो UGC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अब रिसर्च डेवलपमेंट सेल इस्टेब्लिश हुए हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि दे आर टू सपोर्ट रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द यूनिवर्सिटीज़। तो इसी
ऑब्जेक्टिव के लिए क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव द पब्लिकेशंस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जो पेटेंट फाइलिंग होती है दैट नंबर हाउ दैट इज़ टू बी इंक्रीज्ड, वो सब इस ग्रुप की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंगली होगा. एंड देन ग्रुप 5 इज़ ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन. तो यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग कि जो हमारे ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स थे यूनिवर्सिटीज़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी HRD सेंटर है, इट इज़ नाउ यू नो कन्वर्टेड इनटू मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर. और मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग के अंडर भी UGC ने कुछ थीम्स दिए हैं मालविया मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स को कि उन थीम्स पे हमें टीचर्स के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराने हैं. और एक प्रोग्राम के कंटेंट्स UGC ने खुद डेवलप किए हैं रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. तो हमारा जो HRD सेंटर है विच इज़ नाउ रीनेम्ड एज मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, एक प्रोग्राम वो भी करा रहा है फॉर टीचर्स एसोसिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020. तो NEP 2020 के जितने भी वर्टिकल्स हैं वो उस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में कवर किए जाएंगे. देन 6th ग्रुप इज़ ऑन गवर्नेंस एंड अटोनमी. तो जैसे कि NEP में इट इज़ देयर इन द NEP डॉक्यूमेंट कि सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं बाय 2035 दे शुड बी सिमिलर एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए और अटोनमी भी होनी चाहिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास. उस डायरेक्शन के लिए रिकमेंडेशंस ये ग्रुप देगा. एंड देन 7th ग्रुप इज़ एक्रीडिटेशन एंड एक्सीलेंस. तो जो भी हम डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं या जो भी हम सोचते हैं कि एक्रीडिटेशन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स लाई जा सकती हैं उसके बारे में ये ग्रुप रिकमेंडेशन देगा. एंड देन 8th ग्रुप इज़ ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन. हमारा इंडियन एजुकेशन में यू ऑल नो इस पे फोकस हमेशा ही रहा है. एंड ग्रुप 9 इज़ अबाउट इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन लैंग्वेजेस. एंड ग्रुप 10 इज़ अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो 23rd मॉर्निंग में जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू दीज 10 ग्रुप्स. दे विल बी डूइंग डिस्कशन ऑन दीज थीम्स एंड द रिकमेंडेशंस ऑफ ईच ग्रुप विल बी शेयर्ड विद रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स इन द लॉ ऑडिटोरियम फ्रॉम 11 AM ऑनवर्ड्स. और उसके बाद इन द इवनिंग फ्रॉम 4 to 5 देयर इज़ ओपन हाउस वेयर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड दोज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. तो ये शेड्यूल है इन ब्रीफ अबाउट द कॉन्फ्रेंस, 2-day कॉन्फ्रेंस. ऑल दिस विल हैपन इन 2 days. दैट्स द एजेंडा. वेरी हेक्टिक शेड्यूल. नहीं, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड गूगल फॉर्म विद ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड देम कि जो क्वेश्चंस यू नो टू विच दे आर सीकिंग आंसर्स दे शुड प्रोवाइड अस दोज क्वेश्चंस एंड विल बी मेकिंग द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बिफोर द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स एंड द ग्रुप्स ऑल्सो विल बी मेड बाय टुमारो इवनिंग. सो बिफोर दे कम ईच वन विल नो कि इन विच ग्रुप he or she is and accordingly they will come prepared. ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें.